खेत में ही इतना इतना बड़ा बांध के और मशीन से ही झाड़ देने में पड़ता है, लेबर बहुत कॉस्टली हो गया, कोई काटना नहीं चाहिए। लेबर जो रहता है वो क्या क्या रेट से झाड़ता है? उसका 200 रुपये प्रति रोज। प्रति रोज एक दिन में एक लेबर कितना झाड़ लेता है? एक दिन में कितना झाड़ेगा? वही 2 कट्ठा बहुत हो गया, 3 कट्ठा। 3 कट्ठा झाड़ लेगा और कितना? काट नहीं सकता है, केवल झाड़ेगा। हाँ, केवल झाड़ने का 3 कट्ठा झाड़ेगा ना। कितना? 200 रुपये लेगा। 200 रुपया लेगा, उस हिसाब से महंगा पड़ जाता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। ये मशीन में तो कितना? ये मशीन में देखे मशीन को ना? मशीन देखे, हमारा पंकज बोल रहा था जो 150 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से लगता है। वो तो फिक्स नहीं था, अभी शायद थोड़ा सा उसका डालने जाने का भी खर्चा जोड़ रहे, तो अपना फाइनल करेंगे आज। हाँ जो हो। हाँ, लेकिन घंटे 2 घंटा में 10 कट्ठा का करता है। 2 घंटा में 10 कट्ठा करता है ना, 1 घंटा में 5 कट्ठा। तो फिर भी इससे तो सस्ता हुआ। इससे सस्ता हुआ ना? सस्ता। हाँ, मशीन से बहुत सस्ता हुआ कि आदमी से उझारते झाड़ते तबाह हो जाता है, मन में आएगा तो 4 बजेगा तो भाग भी जाएगा, लेकिन मशीन से तो सुविधा सारा व्यवस्था सुविधा है उसका, आराम हो गया। जो उसमें अगर 50 रुपया इनसे लेके 2 किलो इनको भी दे दो। क्या बोलो? उसमें ऐसा होता है जैसे कि मशीन से थोड़ा उसमें सही से झड़ जाता है, इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा रह गया, थोड़ा नीचे रह गया, थोड़ा उधर छूट छूट जाता है, तो वो भी तो किसान का ही नुकसान जाता है ना। क्या मान के चलिए 2-4 किलो अगर उसमें चला गया उसके साथ, तो उतना नुकसान हुआ, कहीं का नहीं रहा क्या। हाँ, और खेत पर करेगा तो उससे फायदा भी होगा ना। कट्ठा में अगर 5 किलो गया, 5 किलो कट्ठा में कितना जाएगा? 5 किलो अगर कट्ठा में गया, मैनुअल कराने से 2-4 किलो उसके साथ चला जाता है। मैनुअल अगर हम करते हैं तो उसके साथ अगर वो कम, मतलब जैसे हमको मार इसे मारते हैं, अगर 2 बार कम मारे तो उसमें थोड़ा रह जाता है, तो फिर तो वो चला गया, तो चला गया घास चारा के साथ, वो ख़त्म हो गया। लेकिन मशीन में तो 100 के 100 निकल जाता है ना चावल, उससे वो बचत एक हो जाता है। हाँ,